तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर इन कोल को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, कैसे इसको डिटरमाइन किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि मॉइस्चर कोल के अंदर जो मॉइस्चर है वो कितने टाइप से प्रेजेंट होते हैं और हर एक मॉइस्चर को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में जब हम लोग कोल के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि कोल का एनालिसिस किया जाता है जो कि दो टाइप से होता है, एक प्रॉक्सिमेट, दूसरा अल्टीमेट। अल्टीमेट के अंदर क्या होता है, केमिकल एनालिसिस होता है। प्रॉक्सिमेट में हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर हो गया, वीएम हो गया, कोल के अंदर जो एस है, एफसी है, ये सब चीज कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो है हमारा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है कोल का। तो आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मॉइस्चर कंटेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है कोल के अंदर से। तो किसी भी कोल के एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सैंपल कलेक्शन करते हैं। तो इसमें हम लोग स्टैंडर्ड प्रोसीजर देखेंगे कि कोल का सैंपल कैसे कलेक्शन किया जाता है, कोन एंड क्वार्टरिंग क्या होता है। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कोल के अंदर से मॉइस्चर कंटेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, मॉइस्चर का मतलब क्या हुआ, मॉइस्चर को हिंदी में बोला जाता है नमी, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट अवेलेबल है। अगर कोल के अंदर मॉइस्चर है, इसका मतलब कि कोल के अंदर कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट अवेलेबल है। तो देखिए, अगर कोल के अंदर मॉइस्चर ज्यादा है, इसका मतलब कि कोल का डेंसिटी भी ज्यादा होगा। जैसे कि एक आप सूखा कोयला ले लीजिए और एक भीगा हुआ कोयला ले लीजिए जिसके अंदर हम लोग पानी मिक्स कर दिए हैं तो वो भीग गया है। तो आप देखेंगे कि जो सूखा कोयला है उसका डेंसिटी कम होगा और जो भीगा कोयला है उसका डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है, मतलब हायर हो जाता है। अगर आपका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा कोल का, अगर मॉइस्चर ज्यादा है, यानी डेंसिटी ज्यादा है, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो हम लोग का एक्चुअल जो कोल है वो कम मिलेगा। ठीक है, जहां से भी हम लोग परचेज करेंगे तो जो एक्चुअल कोल है उसका वेट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है। इस तरह से हायर मॉइस्चर कंटेंट वाला कोल अगर हम लोग परचेज करते हैं तो हमारा जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एक्चुअल कोल हम लोग को कम मिल रहा है और उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा मिल रहा है। तो ये सब चीज प्रॉब्लम होता है। और दूसरा, अगर आप इस टाइप के जो हायर मॉइस्चर वाले कोल को अगर बर्न करेंगे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर इसके अंदर वाटर कंटेंट है तो वो क्या होगा, वेपर में फॉर्म, जब उसको हीट मिलेगा तो वो वेपराइज होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एडिशनल हीट का लॉस करता है। जब H2O बनेगा, यानी कि स्टीम का जब फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या करेगा, एडिशनल जो हीट है वो लॉस करता है। तो इस तरह से हम लोग का जो मॉइस्चर है उसको फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज क्राइटेरिया देखने के बाद। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो मॉइस्चर है वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, कोल के अंदर जो मॉइस्चर है वो मेनली दो टाइप का होता है। तो सबसे पहले होता है इनहेरेंट और दूसरा होता है सरफेस। तो देखिए, इनहेरेंट का मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जन्मजात, यानी कि इसको शुरू से ही जब हम लोग कोल का खदान से निकाल रहे हैं तब से इसके अंदर अवेलेबल है। जैसा कि हम लोग कोल क्लासिफिकेशन में देखे थे कि पीट के अंदर हमारा 20% मॉइस्चर होता है, एंथ्रासाइट के अंदर हमारा 1% होता है, बिटुमिनस के अंदर 5% तक होता है, या जो हमारा लिग्नाइट है उसके अंदर 15% तक मॉइस्चर होता है। इस तरह से कोल की क्वालिटी के अनुसार उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर अवेलेबल रहता है जो कि फोर्स आउट नहीं हो पाता है, जो कि उसी के अंदर अवेलेबल रहता है। उस टाइप के जो मॉइस्चर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरेंट, यानी कि छुपा हुआ मॉइस्चर। ठीक है, जैसे कि हम अगर शुगर का एग्जाम्पल लें तो शुगर के फॉर्मूला में हमारा 12H2O भी होता है, तो वो जो H2O है वो क्या है, उसके अंदर इनहेरेंट है, यानी कि छुपा हुआ है। सिमिलरली कोल के अंदर भी हमारा क्या होता है, इनहेरेंट मॉइस्चर होता है, यानी कि जो कि कोल के अंदर जन्मजात से उसके अंदर मौजूद है। दूसरा होता है हमारा सरफेस मॉइस्चर। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है सरफेस, यानी कि जब खदान से हम लोग उस कोल को बाहर निकालेंगे, ठीक है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो एटमॉस्फेरिक के कांटेक्ट में आके जैसे कि बारिश वारिश हो गया तो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। यानी कैसे ही बारिश से कोल भीग जाता है, इसका मतलब कि कोल के अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर का एडिशन हो गया, या जिस सरफेस के ऊपर हम लोग कोल को रखते हैं वो सरफेस अगर गीला है, ठीक है, तो उस पे जैसे ही हम लोग कोल रखेंगे तो कोल क्या करेगा, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस टाइप के जो मॉइस्चर मौजूद होते हैं कोल के अंदर, उस टाइप के मॉइस्चर को हम लोग सरफेस या फ्री मॉइस्चर बोलते हैं। तो कोल के अंदर हमारा इनहेरेंट हो गया जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, और सरफेस यानी कि जब एटमॉस्फेयर में रखते हैं तब उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है, मतलब मौजूद हो जाते हैं, उसको हम लोग सरफेस या फ्री मॉइस्चर बोलते हैं। तो इनहेरेंट और सरफेस मॉइस्चर को फाइंड आउट करने का अलग अलग प्रोसीजर है, इसको हम लोग
लोग अलग तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसको हम लोग अलग तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कोल के अंदर से मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि कोल का एनालिसिस करने के लिए, सबसे पहले हम लोग सैंपल कलेक्शन करते हैं, कोल का सैंपल कलेक्शन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोल यार्ड में गए, कहीं से भी कोल का सैंपल लिए और हम लोग यहाँ पे आके एनालिसिस करने लगे। तो कोल सैंपलिंग का भी एक प्रोसीजर होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे प्लांट में क्या होता है, कोल का एक रेक आता है जिसमें बहुत सारा वेगन होता है, यानी कि बहुत सारा डब्बा होता है। अगर हम लोग एक वेगन से हम लोग कोल लाएंगे, उसका सैंपलिंग करेंगे, तो हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू उसको नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट वेगन से, यानी कि एक छोड़ के दूसरा से हम लोग क्या करेंगे, कोल का सैंपलिंग कुछ कुछ कलेक्ट करते रहेंगे। तो हमारा जो स्कूप है, उस स्कूप से हम लोग क्या करेंगे, दो दो स्कूप सबसे निकालते रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग मतलब अल्टरनेट करके हम लोग वेगन से क्या करेंगे, कोल का सैंपल लेंगे। और इस तरह से हमारा जो सैंपल है, मान लीजिए 30 से 40 केजी कुछ भी हमारा सैंपल कलेक्शन हो गया। तो जब हमारा कोल का सैंपलिंग आ जाता है, 40 केजी मान लीजिए हम लोग सैंपल कलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस कोल को हम लोग कोन एंड क्वार्टरिंग करते हैं। कोन एंड क्वार्टरिंग का मतलब कि जो हम लोग कोल का सैंपल लिए हैं उसको क्या करेंगे, पूरा स्प्रेड कर देंगे, पूरा ऐसे गोल हम लोग स्प्रेड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इसका कोन एंड क्वार्टरिंग, कोन का मतलब ये हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, कोन हो गया, और ये चार पार्ट में हो गया, क्वार्टरिंग हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से और यहां से कोल का सैंपल कलेक्ट करेंगे और ये जो है हम लोग ऐसे ही हटा देंगे। अब मान लीजिए अगर हमारा ये टोटल 40 केजी था, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, हर एक कोन के अंदर कितना हो जाएगा, 10 केजी होगा। तो हम लोग 20 केजी जो कोल है हम लोग कलेक्ट कर लिए। अब 20 केजी को फिर से हम लोग कोन एंड क्वार्टरिंग करेंगे। तो इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहां का उठाए थे, अब हम लोग इधर से उठाएंगे और ये वाला हम लोग वहीं पे छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा अब कितना हो गया, यहां पे हमारा 20 था, तो 20 को हम लोग करेंगे तो 5 हो जाएगा ना, तो यहां पे 5 5 10 केजी हम लोग कलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से कोन एंड क्वार्टरिंग, ऐसे हम लोग चार बार करते हैं। तो फिर से आप करेंगे, तो इस बार आप यहां का काटे थे, अब यहां का आप ले लीजिए, ये वाला आप हटा दीजिए वहां से, ठीक है। जब यहां पे हमारा कितना था, 10 केजी है, तो इधर हमारा कितना हो जाएगा, 2.5 2.5, ठीक है। तो 2.5 2.5 अब हमारे पास 5 केजी हो गया। अब इसको 5 केजी को फिर से आप कोन एंड क्वार्टरिंग करेंगे। तो अब आपको कहां से उठाना है, यहां से आपको उठाना है, ये वाला जो पार्ट होगा उसको आप फेंक दीजिएगा। यहां पे हम लोग सैंपल कितना लिए थे, 5 केजी, यानी कि इसको क्वार्टर में कितना आएगा, 1.25, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 हो जाएगा। तो 1.25 1.25 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2.5, यानी कि 2.5 केजी हम लोग का एक्चुअल सैंपल कलेक्शन हुआ। हमारे पास कितना था, 40 केजी है, उसको हम लोग प्रॉपर तरीका से मिक्स करके हम लोग कितना कर दिए, 2.5। कोन एंड क्वार्टरिंग से यही एंश्योर होता है कि हमारा जितना भी हम लोग सैंपल लिए हैं वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया है और एक्चुअल हम लोग को सैंपल यहाँ पे मिल गया, जिसमें हर एक वेगन का जो मॉइस्चर कंटेंट एवरेज कितना है वो हम लोग इजिली कोन एंड क्वार्टरिंग से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे 40 था, यहाँ पे हम लोग 20 केजी कर दिए पहले, फिर 10 केजी कर दीजिए, फिर हम लोग क्या किए, इसको 5 से हम लोग 2.5 केजी कोल का सैंपल। तो देखिए हम लोग जितना भी प्रॉक्सिमेट हो, अल्टीमेट हो, तो सबसे पहले हम लोग कोन एंड क्वार्टरिंग करते हैं। तो आप ये वाला समझ लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो में हम लोग कोन एंड क्वार्टरिंग नहीं समझेंगे, बस यही जान लेंगे कि कोन एंड क्वार्टरिंग कैसे हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सैंपल कलेक्ट हो गया। तो ये जो सैंपल है इसको अगर हम लोग मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करना है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सरफेस फाइंड आउट करते हैं। सरफेस मॉइस्चर का मतलब क्या हो गया, कि जो कोल का सैंपल हम लोग कलेक्ट किए हैं उसको 24 आवर के लिए ऐसे ही एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में स्प्रेड कर देते हैं। तो मान लीजिए हमारा क्या है, यहां पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में इस कोल को स्प्रेड कर दिए हैं और हम लोग इसको 24 आवर के लिए छोड़ दिए हैं। तो 24 आवर जैसे ही कंप्लीट होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एयर इसके कांटेक्ट में आएगा और मॉइस्चर जो है उसको लेकर के वो रिमूव कर देगा। तो इस तरह से कोल हमारा 24 आवर बाद क्या होता है, ड्राई आउट हो जाता है। तो इसका हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सरफेस मॉइस्चर कितना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है कि आपको सबसे पहले तो पता है कि हमारा कोल सैंपल कितना है, 2.5 मान लीजिए है, और 24 आवर बाद जब हम लोग इसका वेट कर रहे हैं, यानी कि जब कोल को वेट कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, मान लीजिए 2.3 आ रहा है, ठीक है। तो कोल का जो सैंपल है उसका वेट माइनस आफ्टर 24 आवर कोल का वेट, और डिवाइड कर देना है किससे, कोल का सैंपल वेट। तो सैंपल वेट कितना है, 2.5। तो इस तरह से आप इसको इनटू 100 होता है,
ठीक है, इनटू 100, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपको 8% मॉइस्चर मिलेगा। तो ये जो है हमारा मॉइस्चर कौन सा है, सरफेस है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में इसको क्या किए हैं, रख करके इसका मॉइस्चर को मतलब रिमूव कर दिए, इसको कोल को सुखा दिए हैं। तो सुखाने के बाद हमारा इतना इसका वेट कम हो रहा है, तो हमारा ये मॉइस्चर बता रहा है कि इतना सरफेस मॉइस्चर अवेलेबल है। दूसरा है हमारा इनहेरेंट मॉइस्चर, यानी कि कोल के अंदर जो छुपा हुआ मॉइस्चर है उसको, तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को मॉइस्चर को इवेपोरेट करना पड़ेगा, यानी कि वहां से रिमूव करेंगे, तब जाके हम लोग को पता चलेगा कि कितना इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है। तो सबसे पहले अगर आपको इनहेरेंट मॉइस्चर कैलकुलेट करना है, तो जो हमारा ये सैंपल आया है इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बारीक पीस देते हैं, यानी कि इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और एक हमारे पास सीव होता है जो कि 212 माइक्रोन का सीव होता है, उसे हम लोग छान लेते हैं, यानी कि एक छन्नी होता है 212 माइक्रोन का उसका साइज होता है, उसे हम लोग छान लेंगे। और छान के हमारे पास क्या है, पूरा सैंपल कलेक्ट हो गया, 2.5 kg का हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग रख लिए। और ये जो सैंपल होता है वो फर्दर जितने भी प्रोसेस करना है आपको, एनालिसिस करना है, उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वहां से हम लोग कुछ सैंपल कलेक्ट करेंगे, ले लेंगे, मतलब पाउडर फॉर्म का लेंगे। तो हम लोग कितना लेते हैं इनहेरेंट अगर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग का जो स्टैंडर्ड है वो 5 ग्राम से कम नहीं लेना चाहिए, 5 ग्राम ले लीजिए, यानी कि 5 ग्राम हम लोग क्या कर रहे हैं, सैंपल ले ले रहे हैं, ठीक है, 5 ग्राम ले लिए। अब इस 5 ग्राम को हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर से मॉइस्चर को इवेपोरेट करवाएंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस है। यदि इस कोल सैंपल को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे अगर गर्म करेंगे, तो इस कोल सैंपल के अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है, क्योंकि हम लोग इसको बारीक कर दिए, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल को तोड़ दिए हैं, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो भी इनहेरेंट है, यानी कि छुपा हुआ जो मॉइस्चर है, जब उसको हम लोग हीटअप करेंगे अबव 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या होगा, वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सैंपल लिए हैं इसको एक ओवन के अंदर, हम लोग हॉट एयर ओवन है जिसके अंदर हम लोग एक सर्टेन टेम्परेचर, यानी कि अबव 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो टेम्परेचर हम लोग कितना रखते हैं, तो लगभग हम लोग 108 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस हमारा 2 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, यानी कि 106 से 110 के बीच में हो सकता है, यानी कि हमारा 100 से ऊपर होगा तभी ये क्या होगा, मॉइस्चर इवेपोरेट होगा। तो हम लोग मान लीजिए कि ओवन का टेम्परेचर 108 डिग्री सेल्सियस रखे और हम लोग सैंपल यहां पे लिए, तो सैंपल को हम लोग किस में रखते हैं, तो क्रूसिबल के अंदर रखते हैं। क्रूसिबल के अंदर हम लोग ये 5 ग्राम का सैंपल ले लेंगे और इसको हम लोग कितना देर के लिए छोड़ देते हैं, तो 1 आवर के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही इस कोल सैंपल को हॉट एयर ओवन के अंदर इतना टेम्परेचर मेंटेन करके 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे, और 1 घंटा बाद जैसे ही हम लोग इसको बाहर निकालेंगे और इसका वेट करेंगे, तो इसका वेट आपको जो कोल सैंपल है इससे कम ही मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो क्या होगा, वहां से इवेपोरेट हो गया है, यानी कि रिमूव हो गया है। तो इस इनहेरेंट मॉइस्चर को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है कि आपको वेट ऑफ कोल, तो वेट ऑफ कोल कितना है, 5 ग्राम है, और माइनस करना है वेट ऑफ कोल आफ्टर हीटिंग। यानी कि 108 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटा के लिए जो छोड़ देते हैं, जब हम लोग निकाले सैंपल उसका वेट, और डिवाइड कर देना है वेट ऑफ कोल और इनटू कर देना है 100। तो इससे अगर आप करेंगे तो आपको इनहेरेंट मॉइस्चर कैलकुलेट हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कि हमारा जो वेट ऑफ कोल है वो कितना है, 5 ग्राम है, ठीक है, और माइनस करते हैं वेट ऑफ कोल आफ्टर हीटिंग, जब हम लोग बाहर निकाल रहे हैं और उसका वेट कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम लोग को 4 ग्राम मिल रहा है, और डिवाइड क्या करना है वेट ऑफ कोल, यानी कि 5 ग्राम, और इनटू कर देना है 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 4 यानी 1, और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी इस तरह से हमारा जो कोल के अंदर इनहेरेंट मॉइस्चर है वो कितना है, 20% है, ठीक है। तो ये जो मॉइस्चर है वो कितना है, 20%। अगर हम लोग टोटल मॉइस्चर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि TM अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, जो इनहेरेंट मॉइस्चर है और प्लस कर देना है सरफेस मॉइस्चर से, तो इनहेरेंट हमारा कितना आया है, 20 है, और प्लस कितना आया है, 8% है। इस तरह से हमारा 28% टोटल मॉइस्चर है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, इसका मतलब आप समझ गए हैं कि क्या क्या लॉसेस है, ट्रांसपोर्टेशन लॉस है, फिर हमारा कंबस्चन लॉस है, और फिर से हमारा जो कोल का है जो क्वांटिटी है वो भी आपको कम मिलेगा। तो इस तरह से हमारा मॉइस्चर फाइंड आउट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर प्वाइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।